हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर ब्लाउज में। सवा दो इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 9 इंच गले की लंबाई ली है, और ऐसे हमें स्क्वायर बना देना है और फिर पान गले का शेप देना है। ये 30 साइज का ब्लाउज है इसलिए गला 9 इंच ही रखा है। ऐसे पान शेप दे देकर उसको हमें कट कर देना है। पहले हम पान गला बनाएंगे और फिर उसके ऊपर से डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे कट करके फिर मेन फैब्रिक पे रख के उल्टे साइड से ऐसे हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख के सिलाई लगा देनी है। जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उस पर 1/2 इंच रख के ऐसे सिलाई लगा देनी है। फिर हमें उसे कट मार देने हैं, ऐसे अच्छे से कट्स मार देने हैं, और फिर उसे पलटी करके हमें सीधे साइड से सिलाई लगानी है, जिससे हमारा पान गला तैयार हो जाएगा। जो हमारी सीधी साइड है उस वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमारा पान गला तैयार हो। अभी हमें एक नाड़ी बनानी है येलो कलर की, जो जो भी आपका कॉन्ट्रास्ट कलर हो उससे हमें एक नाड़ी बनानी है, और सुई धागा की मदद से उसे पलटी कर लेना है। कैनवास पे हम इसे पान का शेप लगाएंगे। 1 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा रख के ऐसे हमें डबल फोल्ड करके कैनवास पे शेप दे देना है, जैसे मैंने दिया है। देखिए कैसे दे रही हूँ, वैसे ही। ऐसे हमें 3 पान निकालने हैं, और फिर ऐसे जो हमारा कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है उस पर प्रेस कर देना है। ऐसे नाड़ी को भी हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम इसे पाइपिंग लगाएंगे। येलो कलर के जो कपड़ा है हमारा उससे हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। जैसे मैं लगा रही हूँ उल्टे साइड से हमें पकड़ना है। ऐसे कट्स मार के उसे पलटी कर देना है। कट्स मारेंगे तो अच्छे से पाइपिंग आएंगी। फिर पलटी करके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। ऐसे हमें करके 3 पान बनाने हैं। ऊपर की तरफ से मोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा लेनी। ये देखिए 3 पान तैयार हो गए। अभी जो हमने नाड़ी बनाई थी वो हम पान गला पर लगाएंगे। दोनों साइड से उसे सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच का छोड़कर हमें पट्टी लगानी है। 1/2 इंच अंतर छोड़कर हमें पट्टी लगा देनी है, और जो नीचे हमारा बैक साइड जो नीचे है वहीं भी ऐसे ही शेप देकर अच्छे से पट्टी लगानी है। दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है, और फिर बीच में जो हमने बनाए थे पान वो लगाने हैं। जो हमने 3 पान बनाए थे वो हमें जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से ऐसे सिलाई लगाकर 3 पान हमें लगा देने हैं, और फिर ऐसे बटन लगाकर ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया।